तरह से नेता एक दूसरे के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, उससे लोकसभा चुनाव 2019 विवादित और अमर्यादित बयानों का भी रिकॉर्ड बना सकता है। ताजा मामला बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के ट्वीट का है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। कैलाश विजयवर्गीय ने अपने ट्वीट में लिखा है कि राहुल गांधी शक्ल और अकल दोनों से बेवकूफ हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पढ़े बिना ही कह दिया कि एससी ने राफेल मुद्दे पर सरकार को दोषी माना, यह तो अदालत की अवमानना है। राहुल की आदत उस शातिर जेब कतरे जैसी है जो खुद बटुआ चुराता है और बचने के लिए चोर चोर चिल्लाने लगता है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में राहुल का नाम लिए बगैर कुछ इसी तरह की टिप्पणियां की थी, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने तो सीधे राहुल गांधी का नाम लेकर ही उन्हें बेवकूफ कह दिया। अब देखना है इसके जवाब में कांग्रेस के नेता मर्यादा की कौन सी सीमा लांघते हैं।